अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 61। स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर 14, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबोहवा, पाकिस्तान के मौसम के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेज हमने प्रीवियस लेसन में कर लिया था, पेज नंबर 61 से हम स्टार्ट करेंगे। When we see the position of Pakistan on the world map or a globe, we realize that it is located near the equator in the north of the Tropic of Cancer. The tropics are two imaginary lines of latitude on those parts of the earth where the sun appears overhead. अगर हम world map को देखें globe पर, ये जो आपको globe नजर आ रहा है world map है, इसके अंदर सारा detail है। अगर हम इसे देखें तो हमें अंदाजा होगा कि पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर के करीब जो है नॉर्थ पोल की तरफ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर वाकया है। अब आपको ये देखना है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। इक्वेटर मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था और चैप्टर 8 में शायद हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था। ये आपका जो ग्लोब का जो है इसको बिल्कुल सेंटर में जो लाइन कट करती है टू हाफ्स में, दो हिस्सों में, वो इक्वेटर कहलाती है। ये लाइन जो ग्लोब को सेंटर हाफ में बिल्कुल दो हाफ में कट कर देती है, ठीक है, ये इक्वेटर है। और इक्वेटर के ऊपर जो करीब तरीन पहला हिस्सा है ये, और उसके नीचे की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए और साउथ पोल की तरफ जाते हुए ये ट्रॉपिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं नॉर्थ की तरफ तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। इक्वेटर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन के बीच में जितनी भी प्लेसेस आती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वाकई होती हैं। इसी तरह से साउथ पोल की तरफ जाते हुए जो ये लाइन आपको नजर आ रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और यहाँ पे जो जितनी जगह होती हैं वो सारी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वाकई हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वाकया है, ठीक है। द ट्रॉपिक्स आर टू इमेजिनरी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड ऑन दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर द सन अपीयर्स ओवरहेड। ये जो ट्रॉपिक्स हैं जो भी मैंने आपको बताया है ये दो इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन्स लगी हैं बेसिकली ये ख्याली लाइनें हैं, लेकिन सिर्फ इतना ये डिस्टेंस बताने के लिए कि इक्वेटर से इतने फासले तक जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाते हुए इतनी जो स्पेस है डिस्टेंस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाता है। और यहाँ पर जो जगह होती हैं वो इन नामों से पहचानी जाती हैं कि इस जगह पर वो इलाका या वो मुल्क जो है वो वाक्य है। और ये वो जगह है कि यहाँ जितनी भी ममालिक हैं, जितने भी इलाके हैं, उन सब पर सूरज जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट उसकी सनशाइन होती है। सन अपीयर्स ओवरहेड, सूरज इनके बिल्कुल सामने होता है। पाकिस्तान हैज अ वेरी डाइवर्स क्लाइमेट। जैकबाबाद एंड सिब्बी आर अमंग द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान के आबोहवा के बारे में बात की जाए तो यहाँ का जो आबोहवा है वो बिल्कुल अलग और डिफरेंट है, यानी एक तरफ बहुत शदीद गर्म है और किसी तरफ बहुत शदीद ठंडा है। हमारे पाकिस्तान में जैकबाबाद का इलाका और सिब्बी का इलाका जो है वो गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है पूरी दुनिया में। जो ज्यादा गर्म इलाके हैं उनमें ये दो इलाके भी शामिल हैं। While the northern mountainous regions and Balochistan are extremely cold, जबकि हमारा जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं और बलूचिस्तान का इलाका है वो सारा शदीद सर्द होता है। The areas near the coast have a moderate climate due to the sea breeze. और वो तमाम इलाके जो साहिल पर वाके हैं, समंदर के करीब हैं, वहाँ पे माइल्ड होता है, जो हमने प्रीवियस कल पढ़ा था कि मॉडरेट होता है, यानी माइल्ड वहाँ का मौसम होता है, ना ही बहुत शदीद ठंड होती है और ना ही बहुत शदीद गर्मी होती है। उसकी वजह क्या होती है? सी ब्रीज, समंदरी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से मौसम जो है वो कभी गर्म होता भी है तो समंदरी हवाओं की वजह से फिर नॉर्मल हो जाता है। और तीनों तरह के मौसम जो है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, शदीद गर्म इलाके भी हैं और शदीद ठंडे इलाके भी हैं और नॉर्मल मौसम भी बहुत सी जगहों पर मॉडरेट आबोहवा है, ठीक है। रीडिंग के लिए इतना टॉपिक काफी है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन हैं तो वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेसन में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इफेक्ट द क्लाइमेट। कल हमने जो रीडिंग की थी उसका लास्ट पैराग्राफ है, उसमें ये आंसर मिलेगा।
प्रीवियस पेज पर, पेज नंबर 60 पर, पेज 60 पर यहाँ आप स्टार्ट हो रहा है द मेन फैक्टर्स, यहाँ नंबर 3 लिखेंगे, द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यहाँ कॉमा लगाएंगे और ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखा है हम ये काट देंगे, इससे आंसर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेटर की डेफिनेशन है, वो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन एंड हाउ हाई अबव सी लेवल इट इज, यहां तक ठीक है जी। ये पैराग्राफ पूरा है लेकिन इसमें जो ब्रैकेट में डिटेल लिखी है वो हम काट देंगे जिसकी वजह से आंसर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन एंड हाउ हाई अबव सी लेवल इट इज, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज पाकिस्तान लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप अगर देखें, ग्लोब देखें तो पाकिस्तान कहाँ वाकया है, वो अभी मैंने आपको करवाया था इसी पेज पर जहां ये आपको ग्लोब नजर आया है, इसके सामने ही आप यहां से लिखेंगे पाकिस्तान इज लोकेटेड, पाकिस्तान यहां से ऐड लिखेंगे और ये वर्ड काट दें, लॉन्ग नहीं करना, शॉर्ट करना है। पाकिस्तान इज ये दो लाइनें काट देंगे और यहाँ पाकिस्तान इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां तक लिखेंगे और इसके बाद हम अगली लाइन शुरू कर देंगे यहां से, वेयर द सन अपियर्स ओवर हेड, एक सेंटेंस ऐड करेंगे, क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुनने, पाकिस्तान के आगे इज हम खुद लिखेंगे, पाकिस्तान इज बीच में ये दो लाइनें छोड़ के लोकेटेड पे चले जाएंगे, पाकिस्तान इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर तक लिखने के बाद वेयर द सन अपियर्स ओवरहेड, क्लियर। मेन पॉइंट है कि आपको आंसर टू द पॉइंट देना है, लॉन्ग नहीं करना जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो, बजाय ये कि आपको आंसर समझ आना चाहिए, क्लियर। दीज टू क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क, रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह अगले लेसन में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।